प्रकृति के साथ जो अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, लेकिन नर्मदा जी वाला विचार मेरे मन में क्यों आया? पानी के क्षेत्र में पहले भी हमने काम किए, राजेंद्र सिंह जी को भी बुलाया है, हमने जलाभिषेक अभियान चलाया, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, छोटे तालाब, बड़े तालाब, तालाबों का जीर्णोद्धार, अपने बुंदेलखंड के जो परमारकालीन संदेलकालीन जो तालाब है उनको जोड़ने के लिए, पानी से भरने के लिए योजना बनाई, उन तालाबों को भरे हमने, अलग अलग 11 तालाब जोड़े ताकि पानी उनमें भरा रहे, वो प्रयास भी किया हमने। लेकिन नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, बिजली का पानी, पर्यटन, रोजगार, अनेकों प्रकार के साधन थे। इस बार उज्जैन में महावीर, इनसे तो बात करो, इनसे तो चर्चा करो, इतने वर्षों के इनके अनुभव में वो काम आएंगे। जहां तक नर्मदा जी का सवाल है, देखिए, एक तो मैं अंतर मन से ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री मंत्री उनका काम केवल स्कूल, पुल, पुलिया, अस्पताल, सड़क बनाना नहीं है, हमको जनता की जिंदगी बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए, और भावी पीढ़ियों के लिए हम कैसी दुनिया छोड़ के जाएं इसका विचार करके उस तरह के प्रयत्न करना चाहिए जिससे आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका अस्तित्व सुरक्षित रह पाए। पूरी दुनिया अब इस पृथ्वी का क्या होगा, ऐसे लोगों के सामने क्षमता है, ऐसे स्थिति में हम लोग जो पर्यावरण के बारे में सोच कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे, और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है, मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।